अब बता दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, वंदे मातरम तो राष्ट्रगीत है, आप गा लेंगे? अजीत हैदरी है, मेरा नाम रिजवान अहमद नहीं है, हमारे धर्म के खिलाफ चला जाता है वंदे मातरम कहना। मैं वंदे मातरम नहीं। अब बताइए क्या अपब्रिंगिंग है, तुम्हें क्या समझा के बड़ा किया गया है? मुझे शर्म आ रही है तुम्हारी तरबियत पर। तुम होगे सेकुलर। अरे तुम 7 जन्म सेकुलर नहीं हो सकते, तुम कयामत तक सेकुलर नहीं हो सकते। आपको लग रहा है कि सूफी परंपराएं खत्म की जा रही है कश्मीर के अंदर और हिंदुत्व को बढ़ाया जा रहा है कश्मीर के अंदर? जी देखिए अमीश भाई, सबसे पहले बड़े ही आदर के साथ, श्री राम जी के आदर के साथ, सीता माँ के आदर के साथ, मैं ये चीज आपको पहले बताना चाहूंगा कि औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, रघुपति राघव राजा राम, पति ते पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम, सबको सम्मति दे भगवान। ये भजन है, ये गांधी जी ने जो भजन है ये उनने अपने हिंदू धर्म के लिए कहा था, लेकिन आज गांधीगिरी के आड़ में हिंदुत्व का प्रचार किया जा रहा है, और जो ये प्रचार है इससे एक मुसलमान व्यक्ति का धर्म भ्रष्ट होता है, ये आपको सबसे पहले समझना होगा। क्योंकि जो ये पंथियां जो आप तब से सुना रहे हैं कि सबको सम्मति दे, कौन कह रहे हैं सबको सम्मति दे भगवान? ठीक है भाई, मेरे हिंदू भाई भगवान का पूजा करते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, ये तो नहीं कह रहा ना कि महात्मा गांधी भी सांप्रदायिक हो गए इस मॉडर्न इंडिया के अंदर। बाहरी सियासत और मौलाना गांधी में फर्क है, आप महात्मा गांधी को मौलाना गांधी ना बनाएं। गांधी जी आखिरकार एक हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते थे, भगवान श्री राम के भक्त थे। ये है सेकुलर जमात इस देश की, जो महात्मा गांधी को भी हिंदुत्ववादी मानती है। आपने आज कहा कि महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन नहीं, फादर ऑफ द हिंदूज है, और वो कॉम्युनल हो जाते हैं, उनका भजन कॉम्युनल हो जाता है। आप मुझे बताइए, यासीन मलिक आतंकी है क्या? कोर्ट ने घोषित किया महात्मा यासीन मलिक आतंकी नहीं है इनके लिए, परंतु फादर ऑफ द नेशन कॉम्युनल है। यही वो सोच है कि यासीन मलिक जो घोषित आतंकी है वो आतंकी नहीं है, परंतु क्यों इतना माजिद एक एक करके बात करते हैं, आपकी और मेरी तो बातचीत और संवाद होता रहता है। एक और सवाल सुन लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम को आप मुसलमानों का आइकॉन मानते हैं या औरंगजेब को मानते हैं? ये फंस गया सी है औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह इस पूरे देश के, पूरे अखंड भारत के सबसे पहले जो सम्राट थे अखंड भारत के। देखिए एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, वो पिछले 70 साल में जो डेमोक्रेसी आई उसमें आए, लेकिन अखंड भारत बनाने में जिसका हाथ रहा वो हमारा औरंगजेब रहमतुल्लाह। जो यासीन मलिक को आतंकी ना कहता हो, जो औरंगजेब को आक्रांता ना मानते हो, उसको अपना आदर्श मानता हो, परंतु एपीजे अब्दुल कलाम एक राष्ट्रपति बन गए, ऐसी सोच वाले व्यक्ति के नजरिए में महात्मा गांधी कैसे? अब बता दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, वंदे मातरम तो राष्ट्रगीत है, आप गा लेंगे? अभी मजा आएगा ना भिड़ो कि उसमें शब्द बदलेंगे। नहीं, वंदे मातरम तो राष्ट्रगीत है, कांग्रेस ने लाया था, अब बताइए वंदे मातरम गाने को तैयार? ओके, जवाब माजिद हैदरी। अजीत हैदरी है, मेरा नाम रिजवान अहमद नहीं है, हमारे धर्म के खिलाफ चला जाता है वंदे मातरम कहना। मैं वंदे मातरम नहीं। अब बताइए कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो ये वंदे मातरम नहीं, मैं अभी बताता हूं, इसलिए वंदे मातरम धर्म के खिलाफ चला जाता है, महात्मा गांधी का भजन बदलवाना चाहते हैं। ऐसा है, इनको शब्द नहीं, इनको सोच बदलनी होगी। ये वो माजिद हैदरी है जो आतंकियों की पैरवी करते, इनके लिए इनका आइकॉन कौन है? बुरहान वानी। इनके लिए कभी उनका आइकॉन औरंगजेब राइफलमैन नहीं है, उनके लिए उनका आइकॉन कभी भी लेफ्टिनेंट जनरल लेफ्टिनेंट उस्मान फयाज नहीं है। यही तो है, सोच बदलिए, शब्द बदलने से कुछ नहीं होगा। मैं शहजाद भाई से कहना चाहता हूँ, आप लोग सब चाहते हैं ना कि कश्मीर में बच्चे स्कूल में कहें कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ठीक है कहेंगे, लेकिन एक शर्त है, आप आगे की पंक्ति चेंज कर दीजिए, आप कहिए ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे अल्लाह, आप अल्लाह आगे कर दीजिए। तेरा तो गेम बजाना पड़े, मामला सिंपल, वेरी सिंपल, क्योंकि तब तक भजन है जब आप इसमें करते हैं कि सबको सम्मति दे अल्लाह, तो अल्लाह का नाम आ गया। अगर भगवान रहेगा तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, अल्लाह आएगा तो ये सांप्रदायिक नहीं रहेगा और पाक हो जाएगा। क्या आपको लगता है इससे बड़ा एग्जांपल कोई मिल सकता है? अमित भाई, अगर अमेंडमेंट करना है तो संविधान के प्रीएम्बल से सबसे पहले सेक्युलर शब्द को हटाओ,
सबसे पहला काम ये करो, क्योंकि 20 करोड़ लोगों के ऐसे होते हुए जो राम भगवान को हटाकर अल्लाह लिखना चाहते हैं, ये देश कभी भी सेक्युलर नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। इसको कोई समझा दो इस व्यक्ति को, रिजवान भाई। अगर मैं होम मिनिस्टर होता, अगर मैं होम मिनिस्टर होता तो मैं आज टीवी से उठवाता और रात भर तुम्हारे डंडे लगवाता। समझे तुम? कितने गिरे हुए आपने बने, क्या तुम्हारी तरबियत है? खुदा गंजे को नाखून ना दे, क्या अपब्रिंगिंग है? तुम्हें क्या समझा के बड़ा किया गया है? मुझे शर्म आ रही है तुम्हारी तरबियत पर। तुम होगे सेक्युलर, तुम होगे सेक्युलर। अरे तुम 7 जन्म सेक्युलर नहीं हो सकते, तुम क्यामत तक सेक्युलर नहीं हो सकते। हाँ भाई कैसी लगी आगे स्वाद?